नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम शुरू करवाएंगे पवन। इससे पहले हमने आपको तापमान और वायु दाब की दशाओं में बताई थी कि किस तरीके से प्रभावित होता है और कहाँ पर इसका वितरण अलग अलग तरीके का पाया जाता है और क्यों पाया जाता है। आज इन्हीं से हम प्रभावित होने वाली नई उसको बताएंगे, वो है पवन। पवन क्या चीज़ है ये आप सब लोगों को पता है, और ये चीज़ें आप बहुत छोटे से थे तब से सुनते आ रहे हैं जब से आप 6th 7th में आए और भूगोल को पढ़ने लगे। एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर चलने वाली वायु को हम क्या बोलते हैं, पवन बोलते हैं, एयर या विंड। पवने धरातल पर वायुदाब में क्षैतिज विषमताओं के कारण चलती है। अगर मैं आपको पवनों का वर्गीकरण नहीं करवाती, कौन सा वाला क्षैतिज, तो अगर मैं आपको वायुदाब का क्षैतिज वर्गीकरण छोड़ दूँ तो क्या आप पवने पढ़ सकते हैं? कभी नहीं पढ़ सकते, क्योंकि पवने पूर्ण रूपेण इनसे क्षैतिज वितरण वायुदाब के क्षैतिज वितरण से प्रभावित होती हैं। जिस प्रकार एक जल होता है जो ऊंचे स्थान से नीचे स्थान की तरफ प्रवाहित होता है, उसी प्रकार से पवने भी क्या होती हैं, उच्च वायु भार वाले क्षेत्र से निम्न वायु भार वाले क्षेत्रों की ओर चलती हैं। आपने एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेल्ट्स देख ली पिछले उसमें वीडियो में, अब इन्हीं से रिलेटेड सारी पवनों का हम अध्ययन करते हैं। अच्छा, इसके विषय में एक बार त्रिवार्था ने भी बहुत अच्छी बात बोली कि यह वायुदाब की विषमताओं को संतुलित करने में प्रकृति के प्रयास को दर्शाती है। इस डेफिनेशन को आप लिख लीजिएगा और थोड़ा ध्यान से इसका मनन भी कीजिएगा तो आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब दूसरी बात है, लगभग ऊर्ध्वाधर दिशा में गतिमान वायु को वायु धारा बोला जाता है, एयर करंट्स कहते हैं। अगर क्षैतिज चल रही है तो पवन है, और गतिमान वायु वर्टिकल है तो उसको वायु एयर करंट बोलते हैं। यदि पृथ्वी स्थिर होती और उसका धरातल समतल होता तो पवन उच्च वायुदाब वाले क्षेत्र से सीधे निम्न वायुदाब वाले क्षेत्र की ओर समदाब रेखाओं पर समकोण बनाती हुई चलती। परंतु वास्तविक स्थिति यह है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन कर रही है और उसका धरातल समतल नहीं है। अतः पवन कई शक्तियों के प्रभावाधीन अपनी दिशा में चेंजेस लाती रहती है। कैसे प्रभावित होती है, दो कारण बड़े बताती हूँ मैं आपको इसमें। एक तो है आपके दाब प्रवणता बल। क्षैतिज वायु दाब में अंतर के कारण वायु में गति जाती आती है और यह पवन बनती है। क्या है, वायु हॉरिजॉन्टल एयर प्रेशर में अंतर आया, उसके कारण वायु में गति आई और गति आने से क्या बन जाती है, पवन बन जाती है। दो स्थानों के बीच दाब प्रवणता जितनी अधिक होगी, वायु उतनी ही तीव्र गति से चलेगी। उच्च वायु भार वाले क्षेत्र में निम्न भार वाले क्षेत्र की ओर चलती है। वायु की प्रवणता से पवन को चलने के लिए बल मिलता है, इसलिए इसे दाब प्रवणता बल भी कहते हैं। दूसरा है हमारे कोरियोलिस इफेक्ट। पृथ्वी के घूर्णन के कारण पवने अपनी मूल दिशा से विक्षेपित हो जाती हैं। इसे क्या बोलते हैं, इसे कोरियोलिसिस बल बोलते हैं। हम सीधे सीधे चल रहे हैं पर बीच में हमारे कोई बैरियर आ गया तो हम क्या हो जाएंगे, साइड में हो जाएंगे। इसी तरीके से अपनी मूल दिशा से क्या हो जाती है, डिफ्लैक्ट हो जाती हैं, और इसे कोरियोलिसिस बल के नाम से जाना जाता है। अच्छा, ये भी एक बहुत अच्छा जीके का क्वेश्चन है कि इसका नाम कैसे पड़ा। इसका नाम फ्रांसीसी वैज्ञानिक के नाम पर पड़ा जिसने सबसे पहले इस बात पर बल दिया और इस बात को जोर दिया कि इस बल से जो इफेक्ट होता है, उत्तरी गोलार्ध में पवने अपने दाहिनी ओर, उत्तरी गोलार्ध में कहाँ मुड़ती है, अपने राइट ओर, और तथा दक्षिण गोलार्ध में अपने लेफ्ट की साइड ये मुड़ जाती हैं। इस विक्षेप को फॉरेल नामक वैज्ञानिक ने सिद्ध किया था। अतः इसे फेरेल का नियम भी कहा जाता है, क्योंकि कोरियोलिस बल की वजह से क्या उत्पन्न हुआ, फेरेल का नियम उत्पन्न हुआ। एक जीके का और क्वेश्चन सुन लीजिए, इसे बैलेट नियम भी कहते हैं। इस नियम के अनुसार यदि कोई व्यक्ति उत्तरी गोलार्ध में पवन की ओर पीठ करके खड़ा है तो उच्च दाब उसके दाईं ओर तथा निम्न दाब उसके बाईं ओर होगा। दक्षिणी गोलार्ध में स्थिति इसके उलट होगी। कोरियोलिसिस बल पृथ्वी के विभिन्न अक्षांशों पर पवनों को विभिन्न मात्रा में क्या करते हैं, डिफ्लेक्ट करते हैं। भूमध्य रेखा का पर कोरियोलिसिस बल का प्रभाव शून्य होता है। ये भी बहुत अच्छी बात है कि इसको आप ध्यान से देखिएगा, इक्वेटर पर क्या होता है, यह जीरो होता है, अर्थात भूमध्य रेखा पर पवनों की दिशा में कोई विक्षेप नहीं होता है। ध्रुवों का अधिकतम विक्षेप होता है, और यदि ध्रुवों पर 100% विक्षेप मान लें तो 30 डिग्री अक्षांश पर 50%,
60 डिग्री अक्षांश पर 86.7% का विक्षेप होता है। आप ये डायग्राम और देख लीजिएगा ध्यान से। तीसरा है अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल क्या चीज़ होती है कि सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन की वजह से घूर्णन करते हुए पृथ्वी पर घूर्णन के केंद्र की दिशा में वायु के अंदर की ओर होने वाला त्वरण या एक्सेलरेशन के कारण पवन के लिए स्थानीय उच्च वायुदाब या निम्न वायुदाब के चारों ओर को समदाब रेखाओं के कारण के लगभग समानांतर एक वक्र पथ बनाए रखना संभव होता है। इसे आप केंद्रीय या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी कहते हैं। नेक्स्ट, लैंड फ्रिक्शन, भूघर्षण। भूतल पर उपस्थित विषमताओं के कारण पवनों के रास्ते में क्या हैं, पर्वत हैं, पठार हैं, अन्य अनेक धरातलीय आकृतियां हैं, इनके कारण घर्षण तथा अवरोध पैदा हो जाता है जो पवनों को गति तथा दिशा को प्रभावित करते हैं। पर्वत तथा पठार आदि धरातलीय आकृतियां पवनों की दिशा में परिवर्तन ला देती है। महासागरों पर तो ये घर्षण कम होता है, परंतु महाद्वीपों पर ये घर्षण क्या होता है, बहुत अधिक होता है। अतः महासागरों पर पवने महाद्वीपों की अपेक्षा अधिक गति से चलती हैं। अब इन्हीं के आधार पर हम पवनों के प्रकार पढ़ते हैं, काइंड्स ऑफ विंड्स। तो पवने तीन प्रकार की होती हैं। नंबर एक होती है स्थायी अथवा प्रचलित, जिनको कि परमानेंट या हम प्लेनेटरी विंड्स भी कहते हैं। दूसरी होती हैं आपकी सामयिक अथवा अस्थायी पवने, जिनको कि हम पीरियोडिक या टेम्परेरी विंड्स भी बोलते हैं। और लास्ट होती है हमारे लोकल विंड्स। तो हम आज बात करते हैं स्थायी अथवा प्रचलित अथवा भूमंडलीय पवनों की। पृथ्वी के विस्तृत क्षेत्र पर एक ही दिशा में वर्ष भर चलने वाली पवनों को स्थायी पवने कहते हैं। नो चेंज क्या है इसमें बेटा, नो चेंज। स्थायी पवनों पवने एक वायुभार कटिबंध से दूसरे वायुभार कटिबंध की ओर नियमित रूप से चलती हैं। अतः स्थायी पवनों की व्यवस्था की पेटियों के वायुभार एवं ताप कटिबंध के अनुसार तीन भागों में बांटा गया है। सबसे पहले आएगा, इसमें हमने डिवीजन करा है, वो है सन्मार्गीय ट्रेड विंड्स। ट्रेड आप व्यापार वाला मत समझिए इसको, ट्रेड विंड्स का सुनिए अब आप। उपोष्ण उच्च दाब कटिबंधों से भूमध्य रेखे निम्न दाब कटिबंधों की ओर चलने वाली पवनों को सन्मार्गी पवने कहते हैं। यह 30 डिग्री से लेके 5 डिग्री उत्तर व दक्षिण अक्षांशों के बीच चलती हैं। इन्हें अंग्रेजी में ट्रेड विंड्स कहते हैं। असल में क्या है, इसका हमारे व्यापार से कोई लेना देना नहीं है। ये जर्मन भाषा का शब्द है और जर्मनी में उस समय बहुत अधिक विकास हुआ था। अब जर्मन भाषा का शब्द है तो इसमें ट्रैक का मतलब एक पर्टिकुलर रास्ता होता है, निश्चित मार्ग होता है, और इस निश्चित मार्ग पे चलती हैं। तो इसको अंग्रेजी के बाद के शब्द ट्रेड से इसका जोड़ दिया गया, जिसका कि हमारे मैंने पहले ही बता दिया कोई व्यापार से लेना देना नहीं होता। इन्हें व्यापारिक पवने कहना हम गलत कहेंगे, यद्यपि बहुत से विद्वान इन्हें अब भी व्यापारिक पवने ही कहते हैं, पर यह जर्मन भाषा का ट्रैक शब्द है जो कि ट्रेड में बदल गया। अब इनकी कुछ मुख्य विशेषताएं आप ध्यान से सुनिएगा। इन पवनों को उत्तरी गोलार्ध में उत्तर से दक्षिण तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण से उत्तर दिशा में जाना चाहिए, परंतु फेरल का नियम आता है और कोरियोलिसिस बल के कारण यह पवने उत्तरी गोलार्ध में अपने दाहिनी ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाईं ओर मुड़ जाती हैं। इस प्रकार यह पवने उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्वी तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्वी दिशा में चलती हैं, और इसी वजह से इन्हें पूर्वा पवने भी बोलते हैं, ईस्टर्लीज बोलते हैं, पूर्वा पवने हम इन्हें बोलते हैं। लगभग 30 डिग्री उत्तर तथा दक्षिणी अक्षांशों से भूमध्य रेखा की ओर चलने के कारण यह पवने और अधिक गर्म व शुष्क होती जाती हैं, इसलिए यह अधिकतर वर्षा नहीं कर पाती। परंतु जब यह किसी महासागर को पार करके महाद्वीपों तक पहुंचती हैं तो महाद्वीपों के पूर्वी भागों में वर्षा खूब करती हैं। यह पवने महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर वर्षा नहीं करती। और फिर आप एक बहुत अच्छा जीके का क्वेश्चन सुन लीजिए कि इसी कारण अक्षांशों में
इन अक्षांशों में महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में विश्व के बड़े बड़े मरुस्थल पाए गए हैं, 30 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिण दक्षिणी अक्षांशों में, क्योंकि यहाँ पर पूर्वाई पवने चलती हैं जो कि पश्चिमी भाग को भिगोती नहीं है बल्कि पूर्वी भाग में ये बारिश करती हैं। नेक्स्ट, इसकी विशेषता और लिखिए आप। विषुवत रेखा के समीप दोनों गोलार्धों के ट्रेड जो विंड्स हैं वो उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र बनाती हैं और ऊपर उठकर घनघोर वर्षा करती हैं। यह पवने स्थायी व सुनियमित रूप से सुनिश्चित पथ पर चलती हैं और इनकी अगर आप कैपेसिटी ध्यान से देखिएगा तो 15 से लेके 25 किलोमीटर प्रति घंटा होती हैं। इनके वेग शीत ऋतु में अधिक और ग्रीष्म ऋतु में कम होता है। इनका तापमान विस्तार महासागरों पर, इनका अधिकतम जो इस विस्तार पाया गया है वो स्टूडेंट्स कहाँ पाया गया है, महासागरों पर पाया जाता है। हिंद महासागर में, बिल्कुल ध्यान से सुनिए, इनको बोलते हैं मानसून पवनों में ये क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती हैं। तो यही ट्रेड विंड्स आके हिंद महासागर में मानसून पवने हो जाती हैं और भारत अंत में क्या कहलाता है, मानसून का जुआ कहलाता है। धन्यवाद।